अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी यहाँ पे ठीक हैं। तो जी, यहाँ है हम लोगों की वीकली ग्रॉसरी। ये वीकली भी नहीं बोल सकते, 15 डेज तक हम लोगों को चल जाएगी। थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें 15 डेज तक आते हैं, थोड़ी चीज़ें जो है वो महीने तक चलते हैं। हाँ, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, वो 15 डेज तक चल जाएंगे आराम से। और ऑयल, टिश्यू वगैरह जो भी है वो जो है मंथली हो जाते हैं। और चावल वगैरह भी हम लोग मंथली वंस ही लेते हैं। और बाकी की जो चीज़ें, वेजिटेबल्स को जो है हमें 15 डेज में एक टाइम तो जाना ही पड़ता है। और यहाँ मैं कंप्लीट नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि पिछले एक व्लॉग में मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत ग्रोसरी दिखा चुकी हूँ। बार बार दिखाने से बोर हो जाता है, देखने भी इंटरेस्ट नहीं आता। एक्चुअली ये मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है अभी अभी ये लेके आए थे, और मुझे इन सबको सेट करना होगा। और उसके बाद जो है मैं एक्चुअली आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, डिशेस बना रही थी, तो उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सेट करके मैं अपनी रेसिपी की तरफ चल जाऊंगी और वो शूट करूंगी, तो उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ देखती हूँ मैं क्या क्या लेके आए हैं। फ्रूट्स है थोड़े बहुत, मौसम ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा फ्रूट्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इंसान को जो है सर्दी हो जाती है, वो बनाना वगैरह मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ उसे। बस तो चलिए इन सबको सेट करके मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो यहाँ मैं एक मज़ेदार डिश बनाने वाली हूँ जिसका नाम है वेज चिलीज। जैसे कि चिकन चिलीज तो हम लोगों ने सुना है, वेज चिलीज भी हम लोग सुने हैं। ये सब कुछ जो डिशेस है ना, रेस्टोरेंट में स्टार्टर के डिशेस माने जाते हैं। तो यहाँ मैं बस वही ट्राई कर रही थी, सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो वेज चिलीज बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए होंगे गाजर, कुकुम्बर, प्याज और कैबेज। गाजर जो है 2 ली हूँ, कुकुम्बर 1 ली हूँ, कैबेज थोड़ा सा ली हूँ, ये जो बड़ा कैबेज है उसका 1/4 पोर्शन मैं ली हूँ, और प्याज जो है एक बड़ी साइज़ प्याज मैं यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ। बस इन सबको अच्छे से ग्रेट करना है। जी हाँ, कैबेज, गाजर, कुकुम्बर और प्याज, इन सबको हमें अच्छे से ग्रेट करना होगा, जिस तरह हम लोग कोकोनट ग्रेट करते हैं ना, उसी तरह। तो और साथ में हमें इसमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर आटा और मैदा। कॉर्नफ्लोर आटा जो है 1/4 कप ली हूँ, और मैदा जो है ये 1/2 कप ली हूँ, ठीक है। तो ये 2 हो गए। उसके बाद जो है इसमें और क्या ऐड किया जाता है, इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट, थोड़े से कुटे हुए धनिया और थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स। बस इन सबको हमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सबको मिक्स करने के टाइम पे यहाँ थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। पानी का इस्तेमाल यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है कुकुम्बर, प्याज और गाजर, वो ऑलरेडी पानी छोड़ देते हैं। जब हम लोग पानी डाल के इनको मिक्स किएंगे ना थोड़ी देर के लिए तो हमें इसको रखना होगा बाहर। तब तक दूसरे जो इसको हमें डीप फ्राई करते हैं एक शेप देके, तब तक तो ये पानी थोड़ा ना थोड़ा छोड़ेंगे। इस वजह से मैं इन सबको ऑयल डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स की थी। ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता, ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। क्या कर रहे बेटे? ये देखिए मैं कुकिंग कर रही हूँ, और रिजान जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, तो यहाँ वो डाइनिंग रूम में सारा अपने टॉयस खुद ही लेके आ गया और यहाँ आके बैठ गया है, और ये अपने टॉयस खेलने में बिजी है। तो मुझे कुकिंग में भी आसानी हो जाएगी, ज़्यादा सताएगा नहीं आके, वरना चॉकलेट वो ये पूछते रहेगा।
इसके जो कार है ना, इसके पास सारे कार ये रिपेयर कर चुका है। एक कार का एक पार्ट भी सीधा नहीं है। तो जी हम लौट आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ जो है मेरा मिक्सचर जो था उसको मैं ए शेप दी हूँ। उसको क्या शेप बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ फ़िलहाल आप लोगों को बोल दूँगी बॉल शेप टाइप, ठीक है। तो शेप देने के बाद जो है यहाँ मैं ऑयल चेक कर रही हूँ कि मेरा ऑयल कितना गर्म हुआ है। उसके बाद हमें इनको अच्छे से डीप फ्राई करना होगा। तो यहाँ मैं ऑयल थोड़ा अच्छे से गर्म कर ली हूँ और उसके बाद जो है फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखती हूँ, मीडियम टू लो फ्लेम में। उसके बाद मैं इन सबको इसमें छोड़ रही हूँ। छोड़ के इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। तब तक फ्राई करूँगी तब तक इनका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। दो दो साइड से भी इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर के बाद इसको हमें पलटाते रहना है। देखिए इस तरह से इसका कलर चेंज होना चाहिए। थोड़ा सा रेड रेड जब आता है तब तक हमें इसको फ्राई करना होगा। ये दो साइड से भी अच्छे डीप फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको टिश्यू टॉवल में इसको ले लूँगी और जो भी बाकी है उसे भी हमें इसी तरह से फ्राई करना होगा। देखिए इस तरह से इसका कलर आना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ, वेज चिलीज़ की ग्रेवी जो होती है। तो यहाँ एक कढ़ाई में ऑयल ली हूँ और उसमें मैं थोड़े से चॉप किए हुए ऑनियन सॉरी जिंजर और गार्लिक ऐड की हूँ। इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। 3 या 4 ग्रीन चिलीज़ को मैं अच्छे से छोटे छोटे चॉप करके इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी प्याज और कैप्सिकम। प्याज जो है यहाँ पे मैं इस शेप में ले रही हूँ, इसको मैं चॉप नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसी ही प्याज अच्छी लगती है। और कैप्सिकम जो है उसको भी इसी शेप में मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्ची 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इन सबको डाल के थोड़े देर इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ मैं अपने वेज चिलीज़ को ऐड कर रही हूँ जो हम लोगों ने डीप फ्राई किए हुए थे। और यहाँ मैं ज़्यादा चम्मच हिला रही थी। चम्मच को ज़्यादा मत हिलाइएगा वरना आपके वेज चिलीज़ जो फ्राई किए हुए हैं वो थोड़े से टूट जाएंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा 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 सा ऊपर ऊपर से इसको अच्छे से हिलाते रहिएगा बस। उसके बाद जो है यहाँ मैं पानी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करके यहाँ ऐड कर दूंगी क्योंकि हमें जो ग्रेवी जो है वो हमें थिक चाहिए होगा। इस वजह से कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके यहाँ ऐड कर रही हूँ, हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से थिक सी ग्रेवी बन सके। और लास्ट में हमें इसमें ऐड करना होगा प्याज की पत्ती। प्याज की पत्ती को छोटे छोटे चॉप करके इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। तो जी मेरे स्पाइसी वेज चिलीज बनकर तैयार है और साथ में यहाँ मैं बनाई थी पास्ता। और आज का डिनर हम लोगों का यही है, इस पास्ता के साथ हम लोग वेज चिलीज खाएंगे। और जो दो डिशेस जो थे मेरे बहुत ही मज़े के बने थे। पास्ता भी अच्छा बना था और वेज चिलीज तो भी बहुत ही अच्छे थे।
आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को खाने में। ये देखिए अंदर से भी कितने अच्छे से बने हैं, ये इस तरह सा लग रहा था इसका अंदर से भी। ये कैसा खाना है सर? मैं फंसका नहीं गया। अच्छा है, खाली केचप खाता है उन्हें। अल्लाह, हंसी क्यों कर रही? पीछे कितने पापा, पीछे पीछे कितने मम्मा? आराम से आराम से। पास्ता भी खा, पास्ता भी खाना है जान। क्यूट मोमेंट मेरे बाबू का। तो जी आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, बस आज मैं ये रेसिपी शेयर की हूँ, ज़्यादा कुछ ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।